दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में। मैं सुखराम यादव आपका हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। तो मेरे प्यारे मित्रों, पिछले सेशन में हमने रीजनिंग के क्लॉक पार्ट 12 पढ़े थे और आज क्लॉक पार्ट 13 पढ़ेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत तुरंत करते हैं और लेते हैं एक नए सेशन को आगे बढ़ाते हुए। तो प्यारे मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे सभी भी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए देर ना करते हुए हम आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। चैप्टर है हमारा क्लॉक। प्यारे मित्रों, चैप्टर है हमारा क्लॉक, घड़ी घड़ी, और पार्ट है हमारा 13। तो चलिए हमें टॉपिक की चलिए प्यारे मित्रों हम सीधे टॉपिक पे चलते हैं और लेते हैं कुछ चुनिंदा प्रश्नों को। टॉपिक है हमारा आज का प्यारे मित्रों, टॉपिक है हमारा आज का दिशा आधारित घड़ी। दिशा आधारित घड़ी, प्यारे मित्रों आज का यह हमारा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस सेशन को। इसमें कुछ हम नोट कर दे रहे हैं बेसिक जानकारी। प्यारे मित्रों थोड़ा सा दो लाइन हम इसमें बेसिक जानकारी नोट करा दे रहे हैं, उसके बाद सीधे चलेंगे प्रश्नों पर। प्यारे मित्रों दिशा आधारित घड़ी के बारे में जो है दो लाइन हम जो है बेसिक जानकारी नोट करा दे रहे हैं, उसके बाद प्रश्नों पर चलेंगे। तो चलिए नोट कर लीजिए। जो सुई छोटी हो, नोट करते चलिए, जो सुई छोटी पीछे, जो सुई छोटी हो छोटी पीछे, घड़ी के विपरीत जो सुई छोटी हो घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में, प्यारे मित्रों घड़ी के विपरीत दिशा में, और जो सुई बड़ी हो, प्यारे मित्रों जो सुई छोटी हो छोटी पीछे और घड़ी के विपरीत दिशा में, और जो सुई बड़ी आगे, प्यारे मित्रों बड़ी आगे, बड़ी आगे, और घड़ी की सुई दिशा में,
घड़ी की सुई दिशा में तो चलिए दो लाइन हम आप लोगों को इसमें नोट करा दिए। अब उसके बाद चलते हैं हम सीधे प्यारे मित्रों प्रश्न पर चलते हैं। चलिए प्रश्न है हमारा प्यारे मित्रों, इस क्वेश्चन का प्रश्न है हमारा तो चलिए प्यारे मित्रों आज का हमारा क्वेश्चन है हमारा 9:40 9:40 पर यदि मिनट वाली सुई प्यारे मित्रों 9:40 पर यदि मिनट वाली सुई नोट करते चलिए आप लोग इसको पूरब दिशा में हो तो 9:40 पे तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। प्यारे मित्रों यह है हमारा आज का क्वेश्चन दिशा आधारित घड़ी पर 9:40 पर यदि मिनट वाली सुई पूरब दिशा में हो तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। इसके चार विकल्प दिए हैं, ए है हमारा और बी है हमारा और सी है और डी। चार विकल्प दिए हैं, दक्षिण पूरब और यह है उत्तर पूरब। प्यारे मित्रों दक्षिण पूरब और उत्तर पूरब और से हमारा उत्तर पश्चिम। प्यारे मित्रों सी हमारा उत्तर पश्चिम और डी है दक्षिण पश्चिम। प्यारे मित्रों डी हमारा दक्षिण पश्चिम। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो देखिए हमारा सूत्र क्या है इसको हल करने का। प्यारे मित्रों सूत्र है हमारा 30×h+m/2 - 6×m। यह है हमारा सूत्र। तो इस सूत्र पे हम इसको हल करेंगे। प्यारे मित्रों इस सूत्र के द्वारा हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हल करते हैं। इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30 और ये कितना दिया है घंटा 9 एच कितना है 9 प्लस m मतलब मिनट तो ये हो जाएगा 40/2 माइनस और ये 6 है m कितना है 40। प्यारे मित्रों 30 × 9 प्लस 40/2 माइनस 6×40। अब इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9×27। प्यारे मित्रों 9×27 ये कट जाएगा हमारा तो यहाँ पर आ जाएगा 20। 9×27 + 20 और ये आ जाएगा हमारा माइनस 6
चौक 40, 240। प्यारे मित्रों 270 प्लस 20, अब ये हो जाएगा हमारा प्यारे मित्रों बराबर 270 और 20, 290 माइनस 240। प्यारे मित्रों इसको हम जोड़ लिए, 270 प्लस 20 माइनस 240, अब यह हमारा आंसर आ गया 50 अंश। इसमें से घटा दिए हम तो कितना आया हमारा 50। अब देखिए 50 अंश हमारा आया। यहां पर हम एक चार्ट बना लेंगे प्यारे मित्रों, यहां पर हम एक चार्ट बना ले रहे हैं। देखिए ये हो गया हमारा उत्तर प्यारे मित्रों, ये हमारा हो गया उत्तर, ये हो गया पूरब और ये हो गया दक्षिण। प्यारे मित्रों ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूरब, ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पश्चिम। देखिए 50 अंश। अब ये पूछा है पूरब में मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई। प्यारे मित्रों ये पूछा है हमसे पूरब दिशा में घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी, तो यह है हमारा पूरब दिशा में पूछ रहा है, तो यह हमारा आएगा यहाँ पे। प्यारे मित्रों हमारा यह आएगा यहाँ पे घंटे वाली सुई, ये आएगा हमारा घंटे वाली सुई। प्यारे मित्रों यह हमारा आएगा घंटे वाली सुई, तो यहाँ पर यह होगा हमारा एक, यहाँ पर होगा हमारा 50 अंश। तो ये किस दिशा में जा रहा है, 50 अंश हमारा होगा तो ये जा रहा है दक्षिण पूरब दिशा में। देखिए प्यारे मित्रों 50 अंश हमारा कहाँ जा रहा है, दक्षिण और पूरब दिशा में, तो इसका आंसर हमारा होगा दक्षिण और पूरब दिशा में, ये पहला सही है। प्यारे मित्रों पहला सही है, अतः विकल्प, प्यारे मित्रों अतः विकल्प हमारा ए सही है दक्षिण पूर्व दिशा आंसर हमारा यही सही होगा। नोट कर लीजिए प्यारे मित्रों, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे और लेते हैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम हल करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा समय दे रहे हैं हम आप लोगों को, नोट कर लीजिए। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। प्यारे मित्रों चलते हैं फिर दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा इस टॉपिक का, दो बजकर पचास मिनट। प्यारे मित्रों 2:50 पर, 2:50 पर यदि घंटे वाली सुई प्यारे मित्रों 2:50 पर यदि घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा में हो तो दक्षिण दिशा में हो तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी। चलिए इसको हम हल करते हैं, इसके चार विकल्प दिए हैं प्यारे मित्रों, ए बी सी और डी। चार विकल्प क्या है, दक्षिण पूरब
दक्षिण पूरब और यह है उत्तर पूरब। उत्तर पूरब प्यारे मित्रों, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण, उत्तर पश्चिम, और यह हो जाएगा हमारा दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम प्यारे मित्रों, ये हो जाएगा हमारा दक्षिण पश्चिम। तो चलिए देर ना करते हुए हम इसको हल करते हैं प्यारे मित्रों। तो बस हमारा फार्मूला वही रहेगा, सूत्र है हमारा, सूत्र हमारा वही रहेगा क्लॉक का, 30 × h + m/2 − 6 × m। इसी सूत्र पे हम इसको भी हल करेंगे प्यारे मित्रों। तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 30 + घंटा कितना दिया है, 2 × 30 + हाँ 2 × 30 + मिनट हमारा है 50/2, और प्यारे मित्रों 6 × m कितना दिया है 50। इसको इसको अगर हम काट दे रहे हैं प्यारे मित्रों तो यहां पर आ जा रहा है 25। 30 × 60 और ये प्लस 50, और ये हो जाएगा हमारा −300। प्यारे मित्रों ये हो जाएगा हमारा 300। अब देखिए 6 × 5 = 11, प्यारे मित्रों 6 × 5 = 11, 110 − 300। इसको अगर हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा, नहीं सॉरी, 3 × 6 = 60, सॉरी यहां पर आ जाएगा हमारा, यहां पर कट गया तो यहां पर आ जाएगा हमारा 25। प्यारे मित्रों यहां पर आ जाएगा 25, तो ये हो जाएगा हमारा 85। प्यारे मित्रों ये हो जाएगा हमारा 85, इसमें से अगर हम घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 215, 215 अंश। प्यारे मित्रों ये हमारा 215 अंश हो गया। अब देखिए इसको हम जो है कैसे, ये हो गया हमारा उत्तर, और ये हो गया पूरब, और ये हो गया दक्षिण, और ये हो गया पश्चिम। पश्चिम ये हो गया हमारा पश्चिम। अब देखिए ये पूछ रहा है मिनट वाली सुई, ये पूछ रहा है मिनट वाली सुई, मिनट वाली। प्यारे मित्रों ये पूछ रहा है हमसे मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई उत्तर, 2:50 पर यदि घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा में हो प्यारे मित्रों, तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी, दक्षिण दिशा में पूछ रहा है। तो दक्षिण दिशा में तो ये हो जाएगा हमारा घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई। प्यारे मित्रों ये हमारा हो जाएगा घंटे वाली सुई। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा घंटे वाली सुई। अब इधर से हम दक्षिण से अगर इधर चलेंगे प्यारे मित्रों, इधर चलेंगे, क्या पूछ रहा है, सुई दक्षिण दिशा में हो तो, सुई जो है अगर दक्षिण दिशा में हो तो उत्तर से हम किधर जाएंगे, उत्तर दिशा में, पश्चिम से उत्तर की। तो यहां पर होगा हमारा 215 अंश, 215 अंश जो ये हमारा आया है आंसर, 215। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, तो ये हमारा आंसर होगा उत्तर और पूरब दिशा में। देखिए उत्तर और पूरब दिशा कहाँ है, हमारा बी आंसर सही है प्यारे मित्रों, हमारा बी आंसर सही है, उत्तर और पूरब दिशा में 215 अंश जो आ रहा है यही सही होगा। अतः प्यारे मित्रों, अतः विकल्प बी उत्तर पूरब, उत्तर पूर्व दिशा सही है, सही है, यही हमारा आंसर है प्यारे मित्रों। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए प्यारे मित्रों। आज का यह हमारा सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए
हम चाहते हैं इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद।